हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा। आज असी पंजाबी दा पाठ दूजा करांगे जिसका नाम है मोर। तुसी सब ने मोर तो देखिया ही होना, ये किन्ना सोहना हुंदा है। मोर नू साड़े देश का राष्ट्र पक्षी भी कहा जाता है। ये देखने विच बहुत ही सोहना हुंदा है। बारिश दे मौसम विच जदों बारिश आंदी है तां ये पहला पौंदा है, मतलब नचदा है। आओ मोर बारे होर जानिए। मोर नू सुंदरता दा राजा कहंदे हन। संसार दे सारे पंछियां विचों ये सब तो सुंदर पंछी है। पंछी मतलब पक्षी, एनू मोर जेड़ा हैगा है उस सुंदरता दा राजा कहा जांदा है। ते संसार दे सारे पंछियां विचों ये सब तो सोना है। ये बड़ा मनमोहना ते सोना लगता है। इसकी गर्दन लंबी हुंदी है। इसके खंभ मतलब पंख। इसके खंभ नीले, काले, चमकदार अते सुनहरे रंगां दे हुंदे हन। एंदे जिहड़े पंख हुंदे है बेटा वो बहुत ही प्यारे हुंदे हन। अलग अलग कलर्स दे हुंदे हन, जिवें नीले, काले ते चमकदार। इसके खंभां उत्ते रंग बिरंगे सुंदर गोल चक्कर हुंदे हन। मोर पैला पाउंदा बहुत सोहने लगते हैं। पैला पाउंदे मतलब नचते हुए। इस दे खंभ एक वड्डे पक्खे दी तरह गोल बन जाते हैं। जदों बारिश आती है, बरसात होती है, उदों ये अपने पंख खोल लैंदा है ते मस्ती विच पैला पाउंदा है। जदों इहदे पंख खुलते हैं तां बहुत ही सोहने लगते हैं। इस दे खंभ लंबे अते भारे हुंदे हन, इसलिए यह तुहाड़ी यह उडारी नहीं मार सकता। ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इहदे जिहड़े खंभ हुंदे है बेटा वह बहुत ही भारे हुंदे हन। कदे कदे कुकड़ वांग बहुत छोटी उडारी मार लैंदा है, मतलब बिल्कुल थोड़ा जा उड़ सकता है क्योंकि एंदे जिहड़े खंभ हुंदे हन वो लंबे भी हुंदे हन ते भारे भी हुंदे हन। ते आपदे शरीर ते ये उन्हां दा भार सहन नहीं कर सकता, इस वास्ते उड़ नहीं सकता। ये एक आज़ाद पंछी है। ये बहुत सुंदर लगता है पर इसदे पैर सुंदर नहीं लगते। ये अपने पैरां नूं वेख वेख के दुखी। ये बागां दा शिंगार है। शिंगार मतलब रौनक। ये बागां दी रौनक है। ये खेतां दी रौनक है। ये जंगलां ते नदी किनारे फिरना बहुत पसंद करता है। मोर नूं बेटा जंगलां विच रहना ते नदियां दे किनारे घूमना बहुत पसंद हुंदा है। काली घटा वेख के यह मस्ती विच आ के कूकदा है। काली घटा मतलब काले बदल देख के ये मस्ती विच आ जांदा है ते कूकन लग जांदा है। ये मस्ती विच आ के नचदा ते पैलां पाउंदा है। ये नचन लग जांदा है मस्ती विच आ के। ये साडा मित्र पंछी भी है। ये सप दा वैरी है, सप दा दुश्मन है। वैरी मतलब दुश्मन। ये उसनू ठूंगा मार मार के ख़त्म कर देंदा है। ठूंगा मतलब चुंझा मार मार के, अपनी चुंझा मार मार के सप नू मार भी देंदा है। इसकी आवाज़ सुन के सप अपनी खुंड तो बाहर भी नहीं निकलता। यह सप नू मार के खा भी जाता है। यह कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करता है। मोर दे खंभ बड़े कम आउंदे हन। इस दे खंभां दी चोर बनाई जाती है। इस नू गुरद्वारियां, मंदिरां अते पूजा दे स्थानां विच वरत्या जाता है। इस दे खंभां दे पक्खे भी बनते हैं। मोर पंख गुगे दी छड़ी ते भी लाए जाते हैं। तुसी देखिया होना बेटा असी आपदे घरां विच भी मोर पंख लगाने हाँ। एंदे पंखां नू गुरद्वारियां, मंदिरां ते पूजा दे स्थानां विच रख्या जांदा है, यानी कि पवित्र मन्या जांदा है। एनू
मोर साडा राष्ट्रीय पक्षी है, इसनू मारना मना है, जो इसनू मारदा है उसनू सज़ा हुंदी है, उसनू जुर्माना भी हुंदा है। बेटा मोर साडे देश दा राष्ट्रीय पक्षी है, इसनू मारना बेटा बिल्कुल मना है, इसका शिकार करना मना है, जो इसका शिकार करता है या जो इनू मारदा है उनू सज़ा भी हुंदी है तो जुर्माना भी देना पैंदा है।